साडे चैनल ते होर नवीआं ते ताज़ा न्यूज़ देखण लई साडे सच ते पैरा टीवी चैनल नूं सबसक्राइब करो अते इस दे नाल ही दित्ते गए बैल आइकन नूं दबाओ। धन्नवाद। जवाहर नवोदिया च ब्लाक दे 11 विद्यार्थियों नूं मिलिया दाखला। ब्लाक प्राइमरी सिक्ख्या दफ्तर पातड़ा च विद्यार्थियों नूं जिला सिक्ख्या अफसर ने कीता सन्मानित। ब्लाक दे 11 विद्यार्थियों नूं जवाहर नवोदिया च दाखला मिलण ते ब्लाक प्राइमरी सिक्ख्या अफसर समाणा 1 एंड पातड़ा दे दफ्तर विखे BPEO प्रेम कुमार दी अगवाई दे विच इक सन्मान समारोह कीता गया, जिदे विच ब्लाक दे वख-वख स्कूलां दे 11 विद्यार्थियों नूं जवाहर नवोदिया समिति दे सैशन 2021-22 च दाखला मिलण ते सन्मानित कीता गया। इस समागम के दौरान विशेष तौर पर जिला सिक्ख्या अफसर अमरजीत सिंह ने शमूलियत की। इस समागम दौरान सरकारी प्राइमरी स्कूल खानेवाल अते तेईपुर के विद्यार्थियों ने सभ्याचारक प्रोग्राम भी पेश किए। जिला सिक्ख्या अफसर के वालों 11 विद्यार्थियों को जिथे सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया, उधर स्कूल के मेहनती अध्यापकों को भी सम्मानित किया गया।
Thank you.
इंचार्ज स्कूल मुखी साहबान बहुत ही प्यारे बच्चे पहला तो मैं थोड़ा तो इस वालों सारा धन्यवाद करदा कि तुसी इत मेनु माण बख्शिया उन्हां बच्चों नूं मैं उन्हां दा मान लिया उन्होंने मैं बधाई दिना कि उन्होंने जिहड़ी प्राइमरी दे विच सब तो सन्मानित प्रीख्या है जी अगे जाने वास्ते नवोदया दे विच जिहड़ी नवोदया की प्रीख्या पास की है तो नवोदया दे विच उन्होंने दाखला प्राप्त किया। मैं बच्चों के माँ बाप नूं भी इसकी बधाई दिना तो एक मेरा सुझाव भी है जे बच्चे जो उत्थे पढ़ते हैं क्योंकि नवोदया एक रेजिडेंशियल स्कूल ने सरकार वालों केंद्र सरकार वालों ये बनाए गए हैं कि बच्चों ने उत्थे रह के ही अपनी विद्या हासिल करनी होंगी है। तो कई बार बच्चे जो घर तो दूर रहते हैं तो उन्होंने कई मुश्किल जड़िया ने उन्हें सामना करना पैंदा तो उन्होंने तो घबराना नहीं है क्योंकि मुश्किलों के विचों ही लंघ के बंदा परिपक्व हुंदा ते उहदी परसनैलिटी जिहड़ी है मुश्किलों के विचों लंघ के हुंदी है। जिहड़ा कोई बंदा कोई सौख दे विच रहे उहदी परसनैलिटी डिवैलप नहीं हुंदी। जिन्नियां असीं कठिनाइयां दे विचों लंघांगे उन्हां नूं पार करांगे ते उह उन्ना ही साडी जिहड़ी शख्सियत आ उन्नी ही निखार च आउंदी आ। सो माँ बाप नूं मेरी खास तौर ते बेनती आ वी इह स्कूलां दे विच जदों बच्चे जाणगे जां जा रहे ने जिहड़ियां इह समस्यावां ने उन्हां नूं जिथे सरकार ने हल करना ते नाल नाल तुसीं आप भी हल करना क्योंकि कई वारी ममता जिहड़ी हैगी आ उह सानूं रोक लैंदी है वी जे बच्चा बच्चे दा दिल नहीं लगदा असीं उहनूं घरे लिआउणे होर स्कूलां च दाखल करा दिंदे आ क्योंकि उत्थे विशेष प्रकार की जिहड़ी पढ़ाई है उह बच्चों नूं कराई जांदी आ। छेवीं दे विच दाखला मिलता उस तो बाद नौवीं च भी मिलता। सो मैं एक बार फिर माँ बाप माता पिता नूं ते उन्हां बच्चों नूं बहुत मुबारकबाद दिना कि जिन्हां ने वो प्रीख्या हासिल करके पास करके उत्थे एडमिशन जां दाखला उत्थे लिया है जां हासिल किया है। इत्थों तक तजर्बे की गल कि जिंदगी दे विच समस्यावां आउंदियां रहिंदियां ने। साडे विनोबा भावे एक देश भगत भी होए ने फिलासफर भी होए ने उन्होंने कहा भी जिंदगी समस्यावां दा नाम है जिथे समस्या नहीं है उत्थे जिंदगी नहीं है। तो जिंदगी तो घबराना नहीं चाहिए समस्या तो घबराना नहीं चाहिए। मैं एक बहुत चिर पहला एक कविता पढ़ी सी तर्जमा सी जर्मन की कविता का संघर्षशील लोग किवें पैदा होंदे ने उहदा जिक्र किया गया कि एक गर्भवती माता हैगी है उन्हें बच्चे नूं जन्म देना वह अपने बच्चे दे लई उन दे कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने स्वैटर जां उहदे पैर दे जां सिर दे जिहड़े उहदे पहरावे च पौणे पौणे ने वह बुण रही है। अवस्था इस तरह की हुंदी है कि वह बुणदी बुणदी नूं नींद आ जांदी है। नींद दे विच उहनूं की सुपना आउंदा सुपने दे विच की है भी उहदे कोल चार जिहड़े ने दूत आउंदे ने। इह कविता च लिखिया होया भी चार दूत आउंदे ने ते चारे दूत उहनूं इह कहिंदे ने भी मैं तैनूं आशीर्वाद देणा भी तूं सब तों आशीर्वाद लै तेरा जिहड़ा बच्चा बहुत वड्डियां पलांघां लऊगा। पहला आउंदा कहिंदे भी जे मैं तैनूं आशीर्वाद दिंदा भी मेरे आशीर्वाद नाल जिहड़ा तेरा बच्चा उह वधिया अफसर बणूगा उहनूं ना कर दिंदी आ उह। उहदी माता कहिंदी भी नहीं लेडी कहिंदी ना भी मैं तेरे तों आशीर्वाद नहीं दिवाउणा। दूसरा आउंदा उह कहिंदा भी इह इत्थों दे राज दा मंत्री बणूगा उन्हें भी इनकार कर देंदी है कहिंदी नहीं भी मैं मंत्री नहीं बनाउणा। फिर वह तीजा आउंदा वह कहिंदा भी मेरे आशीर्वाद नाल जिहड़ा तेरा बच्चा वह इत्थों दा राजा बनूगा वह राजे ने भी इनकार कर देंदी है भी नहीं मैं तेरे तों आशीर्वाद नहीं लैणा। फिर एक जिहड़ा एक दूत होर हुंदा जिहड़ा चौथा हुंदा वह जाण लगदा उन्हां दे नाल जो तीन जांदे ने वह भी जाण लगदा वह कहिंदे भाई तू जाण लगे भी तू भी आपदा जिहड़ा आशीर्वाद किवें देना तू भी दस दे। वह कहिंदे दूत कह रहे भी जे मैं जे तू इन तिना दे आशीर्वाद नहीं लए तो मेरा आशीर्वाद जे मैं तेन दूंगा भी तेरे बच्चे जिंदगी दे विच बहुत समस्यावां दा सामना करना पवेगा बहुत दुख झलने पैणगे संघर्ष करना पवेगा जिंदगी दे विच कामयाब होने दे लई। उह कहिंदी नहीं फिर तू ही आशीर्वाद दे जा। जदों दी अख खुलदी है वह की देखती है भी वह आले दुआले सिर दे नेड़े तेरे चार जिहड़े मक्खियां मंडरा रही ने ते इक उहदे दी डंग मार रही है हथ दे उत्ते बैठी जिहड़ी कि उहनूं ये आशीर्वाद देंदे कि तेरा बच्चा जिहड़ा संघर्षशील बनूगा। सो मेरा उस कविता का मतलब यह आ कि जिहड़े संघर्षशील बच्चे हुंदे ने जां संघर्षशील लोग हुंदे ने लोगों नूं उही ज़्यादातर याद रहिंदे ने। राजे महाराजे ने याद नहीं रहिंदे जे इतिहास ना लिखा जाए भगत सिंह उहनां नूं लोग हर कोई याद करूगा भी जब तक यह दुनिया इत्थे रहूगी। सो उहनां दी जिहड़ी परसनैलिटी आ उहनां लोगों की ही डिवैलप हुंदी आ जां उही ज़्यादा विकास करदे ने जिहड़े संघर्ष दे विच रहिंदे ने। सो यह बच्चों ने पूरा संघर्ष करके उत्थे एडमिशन ली है अध्यापकों ने संघर्ष करवाया आप किया संघर्ष उन्होंने तो जिन्होंने इन उन्होंने बच्चों इस योग बनाया। सो इन सारियां जिहड़े संघर्षशील बच्चे ने संघर्षशील अध्यापक ने मेरा उन्होंने सारियां मेरी मैं बहुत मैं बधाई दिना उन्होंने वो सारे बधाई के पात्र ने कि आने वाले समय के साडे वधिया नागरिकों को
पैदा कर रहे हैं। सो इन्ना ये बधाई दिता हुआ मैं अपने अपना स्थान ग्रहण करता। तो बहुत भी एक बार फिर माँ बाप को माँ अध्यापकों बच्चों तो जिन्होंने इतने प्रोग्राम पेश किया उन्होंने बच्चों भी इतने माँ बाप बैठे ने। देखो साढ़े सरकारी स्कूलों के जड़ा बहुत टेलेंट है, असी सिर्फ कई बार ये महसूस करके बच्चे सरकारी स्कूल के दाखिल नहीं कराते कि साडा जो रुतबा वो समाज के किस तरह का बनेगा। इतने जो प्रोग्राम है जे तुम ये बिल्कुल मैं लगता बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो इतने कोई पैसा नहीं लग्या होना। यही प्रोग्राम जो कोई प्राइवेट स्कूल करा तो पहला तुम तो चार चार पाँच पाँच सौ रुपया वो जमा करवा वो कहें भी असी बच्चे की वर्दी लेनी है आ लेना वो लेना साढ़े सौ खर्चे हो गए। परंतु असी जोड़े साढ़े स्कूल के अध्यापक ने जे स्कूल ने उत्थे असी बिल्कुल बच्चे की योग्यता देखते हुए वो असी कंपीटिशन कराने उस थान के उत्ते उन्होंने पाने जो अगे जाके बच्चे जी परसनैलिटी है वो डिवेलप हो जी। कोई बच्चे की स्टेज के उत्ते बोलना कोई सौखा काम नहीं होंगे, छोटे छोटे बच्चे बोल के गए ने अपना परफॉर्मेंस दे के गए ने, इन्हों कोई झिझक नहीं सी। यह जी झिझक ही दूर करनी होंगी है अध्यापक का जो एक फर्ज है पढ़ाने के नाल नाल विद्यार्थी की झिझक को दूर करना तो वो साडे स्कूलों के अध्यापक बाखूबी के नाल कर रहे हैं। मैं उन्होंने अध्यापकों भी बहुत मुबारकबाद दिना, उन्होंने धन्यवाद भी करदा कि जो बच्चों के इस तरह की शख्सियत उन्होंने गुण लभ के उन्हें शख्सियत निखारते हैं। सारे एक बार फिर इन्ह जिन्होंने सम्मान प्राप्त किए हैं जां पेपर पास किए हैं एडमिशन ली है अगले क्लासा के सारे मेरे वालों बहुत बहुत मुबारकबाद। साढ़े जोड़े बच्चे ने इन्होंने नवोदया के दाखला लिया तो क्योंकि नवोदया एक वधिया संस्थावां ने सरकार केंद्र सरकार वालों बनाई जिथे बच्चे रिहायशी उच्च स्कूल ने उत्थे बच्चे की वध परसनैलिटी डिवेलप होंगी है क्योंकि बच्चा जो रात घर तो बाहर कटदा तो उन्होंने जिहड़ियां वख वख किस्म दियां जिहड़ियां समस्यावां आउंदियां ने वो किवें हल करनियां ने उन्हां स्कूलों के सिखाया जाता है। साढ़े कोल इस ब्लॉक के ग्यारह बच्चे इस उन्होंने यह प्रीख्या पास की है। तो यह एक मैं इस ब्लॉक के बीपीओ साहबान तो अध्यापक साहबान मैं बधाई भी दिना क्योंकि साढ़े जिहड़े प्राइमरी अध्यापकों की जिहड़ी है परफॉर्मेंस इत्थों ही यह आंकी जाती है कि किन्ने बच्चे उन्होंने अगलिया क्लासों के दाखिल वास्ते बुलाए ने। तो जिन्होंने परफॉर्मेंस की है ये साढ़े जो लॉकडाउन तो लॉकडाउन लग्या उस वेले तो ही श्री गुरु तेग बहादुर जी के जन्म शताब्दी की 400वें साले जी मना रहे सरकार तो वो प्रति असी यह तैयारी करवाई सी। तो नाल ही हूँ आज़ादी के 75वीं वरेगंढ अपना सारा देश मना रहा वो संबंध में भी विभाग वालों ऑनलाइन जोड़े कंपीटिशन करवाए जा रहे हैं। तो ये जोड़े बच्चों ने उत्थे भी भाग लिया तो इन्हें जी जी परफॉर्मेंस आ ये मतलब एक शलाघाजोग यह जे करोना जिहड़ियां हदायतों पालना करते हुए जो सरकार अलाउ करेगी असी जरूर असी यह करावांगे। तो इस लड़ी के असी स्कूल वालों को कहा हुआ कि अपनों अपने जोड़े बच्चे के नाल करोना के जोड़े हदायतों की पालना करते हुए वो कंपीटिशन मुकाबले की जी तैयारी करवाई जाए। पात्रा तो सतपाल गर्ग की रिपोर्ट।